नमस्कार दोस्तों, मैं DRS समन यहाँ से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में बताया था एमीन्स के बारे में, एलिफैटिक एमीन्स के बारे में। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं एरोमेटिक एमीन्स के बारे में। देखिए, एरोमेटिक एमीन्स क्या होती है। पहला पॉइंट है, दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इन विच द हाइड्रोजन ऑफ द बेंजीन रिंग हैज बीन रिप्लेस्ड बाय एन एमिनो ग्रुप NH2। देखिए, इसमें लिखा है डेरिवेटिव जो होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होता है उसका डेरिवेटिव जो होता है एरोमेटिक एमीन। यहाँ पे क्या होता है, एक हाइड्रोजन ऑफ द बेंजीन यानी बेंजीन रिंग में जो हाइड्रोजन होगा हैज बीन रिप्लेस करके एक एमिनो ग्रुप अटैच करेंगे, यानी बेंजीन रिंग का एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके और एक एमिनो ग्रुप अगर अटैच कर दें तो बन जाएगा एमीन। रिएक्शन देख लीजिए, बेंजीन है, एक हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, यानी कि हाइड्रोजन का रिप्लेस करा के और NH2 ग्रुप एमिनो ग्रुप का अटैचमेंट करा रहे हैं। अटैचमेंट करा देंगे तो एनिलीन बन जाएगा, बेंजीन से एनिलीन बनेगा। एनिलीन जो है प्राइमरी एरोमेटिक एमीन है। All such compounds in which an amino or substituted amino group is bonded directly to an aromatic ring are termed aromatic amines. Aromatic amines की definition है, यानी कि जो compounds है amino or substituted amino group, substituted हुआ है amino group यानी bond के through directly to an aromatic ring, benzene की जो aromatic rings है उसे directly substitute हुआ है, तो इस टर्म को बोलते हैं एरोमेटिक एमीन। एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें भी हमने पिछली वीडियो में जो बताया था एलिफैटिक एमीन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, इसमें भी होता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। तो देखिए, प्राइमरी पहले देखते हैं एग्जांपल, एनिलीन दिया है। एनिलीन मतलब कि बेंजीन रिंग्स है, यानी कि हमारा नाइट्रोजन जो अमोनिया बताया था, अमोनिया का एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके बेंजीन रिंग अटैच करा देंगे तो बन जाएगा एनिलीन यानी कि प्राइमरी एमीन। और यहाँ पे जो दूसरा एग्जांपल है, स्ट्रक्चर है एग्जांपल, वहाँ पे क्या हुआ है, जो बेंजीन है उसमें एक हाइड्रोजन का रिप्लेस करा के NH यानी कि नाइट्रोजन का दो हाइड्रोजन का रिप्लेस करा के और दो एल्किल ग्रुप लगा दिए गए, एक एल्किल ग्रुप लगा है एक एरोमेटिक ग्रुप लगा है, यानी हम कोई भी लगा सकते हैं, दो ग्रुप होना चाहिए, एक एरोमेटिक भी हो सकता है एक एल्किल भी हो सकता है। ये एन मेथाइल एनिलीन ये सेकेंडरी एमीन है। थर्ड स्ट्रक्चर की बात अगर करें तो यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ नाइट्रोजन के साथ तीनों हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट करा के दो एल्किल ग्रुप लगे हैं और एक एरोमेटिक ग्रुप लगा है, तो यहाँ पे हमारा हो गया टर्शरी एमीन, टर्शरी एरोमेटिक एमीन। तो इसका नाम क्या होगा, एन डाइमेथाइल एनिलीन, यानी कि दोनों नाइट्रोजन के साथ अटैच हैं तो एन डाइमेथाइल एनिलीन। आगे बात करते हैं एरोमेटिक एमीन के स्ट्रक्चर की। तो एरोमेटिक एमीन का सिंपली हम स्ट्रक्चर एक एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी आप कोई भी ले सकते हैं। हमने एनिलीन लिया है, यहाँ पे एनिलीन देखिए जो बेंजीन रिंग्स है उसके जो कार्बन है उस sp2 हाइब्रिडाइज हैं, और अगर जो केवल NH2 यानी कि जो एमिनो ग्रुप लगा है उसकी बात करें तो उसका जो हाइब्रिडाइज है sp3 है, क्योंकि उस नाइट्रोजन के पास जो एक दो लोन पेयर है यानी कि एक दो इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर है उसकी वजह से एक बॉन्ड बना रहा है, यानी कि उसकी वजह से एक ऑर्बिटल बना रहा है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज होगा, एक पी ऑर्बिटल बना रहा है तो एक sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। इन एनिलीन ऑल रिंग्स कार्बन एटम आर sp2, बेंजीन के जो ऑल कार्बन होते हैं वो sp2 होते हैं, हाइब्रिडाइज एंड द नाइट्रोजन एटम ऑफ द NH2 ग्रुप इज sp3 हाइब्रिडाइज, नाइट्रोजन ग्रुप जो होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है।
ये देखिए ऑर्बिटल पिक्चर है इसका, एनिलीन का, यानी एरोमेटिक एमीन है, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन। तो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है, जो बेंजीन है यहाँ पर दिखाया गया है sp2 हाइब्रिडाइज है, और जो एमिनो ग्रुप है sp3 हाइब्रिडाइज है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक सिटी ऑफ बेंजीन। थैंक यू।